हम समस्तीपुर में हैं और चैत नवरात्र का सीजन आरंभ और आज ही प्रथम दिन है और लोग सड़कों पे हैं। लोगों को लाख समझाने के बावजूद लोग सड़कों पे हैं और देख सकते हैं नवरात्रि का प्रथम दिन है। लोग जो है कुछ दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, लोग आ रहे हैं दुकानों पे। इन लोगों को ये लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जैसे जीते थे वो लोग आज फिर अपना जिंदगी प्रारंभ है। इन लोगों को न कोई प्रधानमंत्री का और न ही अपनी जान का फिक्र है। हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे इन लोगों से कि ये लोग आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए आ गए हैं। बताइए कि आपको पता है कि मतलब कुछ है देश में? जी हाँ, कोरोना वायरस का सब शिकार हो रहा है बिहार में। और हम लोग जो है तो जब मान ली जाती जैसे से हैं और फूल लेके आना मजबूरी हो जाता है कि अगर नहीं कमाएंगे तो मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा। हाँ, सब कुछ जान। आपका कार्ड मतलब राशन कार्ड है आपके पास? नहीं, राशन कार्ड भी नहीं है। सूरत मिलना में चाहिए और सब तो और सब पहले कुछ दिन तो रुक जाएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं टूटेगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो 10 बजे तक हम लोग यहाँ रहते हैं, उसके बाद घर में पैक हो जाते हैं। तो इन लोगों की परेशानियां भी हैं, लोगों के इन लोगों के पास ना राशन कार्ड है। सोचिए जिसके लिए सत्ता जीती थी वो आज सड़कों पे है, वो लड़ नहीं सकते हैं। हम और लोगों से बात करेंगे क्योंकि इनकी दिनचर्या को भी हमको दिखाना जरूरी है क्योंकि वास्तविकता कुछ और नजर आती है। बताइएगा कि आप लोग कोरोना वायरस है तो उसके बावजूद सड़कों पे क्यों? क्या सर, पर क्या कीजिएगा, उपाय नहीं है। धियापुता भूख मुझे कितना भी रहेंगे कुछ दिन तो रह सकते हैं ना, तो 3-4 दिन तो रहे हैं। आज लास्ट में देखे जो नामोर दशमी का पूजा है, कल खावन पड़ेगा कलसा का, तो उसको सामान तो देना ही है। जिससे आपको और सामान लिया है तो उसको देना ही है। सबसे पहले मंदिर मस्जिद भी जाना छोड़िए आप लोग, तो समय ऐसा ही आया हुआ है तो सब बचाव तो चल ही रहे हैं। पहले जान तो जान है तब ना, जानो तो बचा रहे हैं, क्या करेगा, जानो बचा रहे हैं, बालो बचा के बचा रहे हैं, सबको तो बचा रहा है ना। राशन कार्ड है? राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है ना? कभी मुखिया या वार्ड मेंबर्स के पास गए थे? ये है, वो लोग दौड़ाते रहता है, वो लोग कोनो काम सही से नहीं करता है, पैसा खा लेता है, बस बात करता है, पैसा भी लेता है, पैसा भी खा लेता है। तो ये सरकार की सिस्टम है साहब, क्योंकि लोग मजबूर है इसलिए सड़कों पे हैं। बताइएगा कि भैया आप सड़कों पे क्यों? भैया जानते हैं कि जान पर सबसे पहले हमें कम्युनिकेशन को तोड़ना है, उसके बावजूद सड़कों पे हैं। राशन के आसन का क्या हाल है? फिर भी वहाँ भीड़ भाड़ करके मतलब एग्जाम में रह के उसको राशन खाना पड़ता है। सब्जी का रेट सबका रेट बढ़ गया है। तो लोगों को जागरूक कीजिए कि आप लोग रेट कम लीजिए, क्यों इस महामारी के समय साथ रहिए, ये जागरूक क्यों नहीं करता, पढ़े लिखे हैं। महामारी में तो ये तो मतलब कि और फायदा उठा रहे हैं सबके सब, क्या कहें, जान है तो जहान है, ये तो मानते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन तो भी सड़कों पे क्यों? भोजन के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, राशन जब तक लाने के लिए नहीं निकलेंगे बाहर तो कैसे? भैया कुछ दिन तो रह सकते हैं, रह सकते हैं, भूखा तो नहीं रह सकते ना। तो लोगों की समस्याएं हैं, लोग सड़कों पे इसलिए हैं क्योंकि भूखा नहीं रह सकते हैं। और समझिए हम मुख्य चौराहा पे खड़े हैं, समस्तीपुर का मुख्य मुख्यालय नगर थाना जो है मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। और अभी तक देख सकते हैं कि ना नगर थाना मौजूद है, ना पुलिस का कोई इकाई मौजूद है, ना कोई पुलवा मौजूद है। तो समझिए इनके सहारे 21 दिनों तक क्या आप लड़ सकते हैं, क्या इस महामारी से 21 दिनों तक आप कितने सहारे जी सकते हैं। ना सत्ता है, ना सियासत, सिर्फ सियासत भी अब अपने घरों में दुबक गए हैं। लेकिन इन लोगों की बेरुखी कौन सुनता है। समस्तीपुर से कशिश न्यूज़ के लिए मंटू कुमार। ए भैया, ए